Good morning everyone, welcome to my channel Engineering with Engineers. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे थर्ड पार्टी जीएसडी जो है, जैसे कि हम यहाँ पे एक यास्कावा का एक ड्राइव है, तो ये आपका सीमेंस पीएलसी के साथ कम्युनिकेशन करवाना है, तो ये एक जीएसडी फाइल के थ्रू आपका कम्युनिकेशन होता है, थ्रू प्रोफिबस कम्युनिकेशन. जैसे हम आईएम मॉड्यूल लगाए थे वैसे ही हम अभी क्या करेंगे, जीएसडी फाइल ऐड करेंगे. तो ऐसे हम लोग का पीएलसी है 315 सीमेंस का, तो ये इसके और मुझे इसमें एक यास्कावा का ड्राइव इंस्टॉल करना है, तो वो एक थर्ड पार्टी है. तो इसका जो सॉफ्टवेयर है वो आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल नहीं होता है, तो उसको हमको बाहर से डाउनलोड करके इंपोर्ट करना पड़ता है. तो वही हम एक थर्ड पार्टी जीएसडी फाइल को सिमेटिक मैनेजर में कैसे ऐड करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. ये मेरा है सिमेटिक मैनेजर. तो पहले हमको क्या करना है, इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है. ये आपका प्रोफिबस जीएसडी फाइल है यास्कावा ड्राइव्स का, तो ये सपोर्टेड है G5, P7, F7 और G6 ड्राइव्स के लिए. जो कम्युनिकेशन मॉड्यूल आएगा उसके लिए ये जीएसडी फाइल अवेलेबल है यास्कावा का वेबसाइट में, तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं. तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, तो उसको पहले हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि वो आपका जिप फाइल में है. हम पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं थ्रू विनरर. ये मेरा यास्कावा का जो जीएसडी फाइल है वो आ गया. तो अभी हमको जाना है सिमेटिक मैनेजर, तो ये हम ऐड करते हैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में जाके. तो ये मेरा जो है हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ आपका जो भी सिस्टम अवेलेबल होगा सिमेटिक मैनेजर के साथ डिफॉल्ट, वो आपका सीमेंस का ही सिस्टम होगा. तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड पार्टी को लाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे एक आपको जीएसडी फाइल को इंसर्ट करना है या इंस्टॉल करना है. ठीक है, हम यहाँ पे ऑप्शंस में जाके इंस्टॉल जीएसडी में जाएंगे, फिर वहाँ से आपका पाथ सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे मैं जीएसडी फाइल को डाउनलोड करके रखा हूँ. ये आपका डेस्कटॉप में मैं करके रखा था, ये आपका यास्कावा वाला जो आपका फाइल है वो ये है. इसमें हम ओके कर देंगे, यहाँ आपको दिखाएगा डॉट जीएसडी फाइल. ठीक है, फिर इसको हम इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल सक्सेसफुली आएगा, फिर आपको ये कैटलॉग में दिख जाएगा. ये देखिए आपका कैटलॉग अपडेट हो रहा है. कैटलॉग अपडेट होने के बाद आपको ये प्रोफिबस के लिए है, तो प्रोफिबस नेटवर्क के अंदर आपको दिख जाएगा वो इंस्टॉल हुआ है. तो हम अभी चेक करेंगे कि ये आपका इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो इसके लिए हम प्रोफिबस में जाएंगे. फिर ये आपका जो लिस्ट है इसमें आपका अपडेट हो जाएगा कि आपका एक नया जो जीएसडी फाइल है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा. तो कहाँ पे अपडेट होगा, ये एडिशनल डिवाइसेस में, उसके अंदर आप ड्राइव्स में जाएंगे तो आपको दिखेगा. एक आपका एबीबी का मैं पहले इंस्टॉल करके रखा था, और एक आपका ये जो नया अभी किया ये आपका यास्कावा वाला है. तो इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और ओके कर दीजिए. अगर आपका एड्रेस चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं. तो फिर यहाँ देखिए मेरा कोई इनपुट आउटपुट दिखाना चाहिए, ये आपका जीएसडी तो ऐड हो गया, तो उसके अंदर आप जाएंगे, ये आपका यूनिवर्सल बेसिक बहुत सारे का डेटा टाइप रहेगा, आप जैसा लेना चाहते हैं. तो हम बेसिक डेटा ले लेते हैं, तो बेसिक डेटा में हमको इतना सा एड्रेस मिल जाएगा 64 से 69. ठीक है, ये एड्रेस को आप प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं ड्राइव का कम्युनिकेशन के लिए. तो ये आपका हो गया यास्कावा का ड्राइव. हम एक एबीबी का जो करके रखे थे ऑलरेडी, उसको भी ऐड करके आपको दिखाते हैं. तो ये आपका एबीबी ड्राइव भी हम कनेक्ट कर रहे हैं. ये आपका एबीबी आ गया. एबीबी में आपका पीपीओ कम्युनिकेशन प्रोफिबस के लिए होता है, तो हम 5 PPO यूज़ कर लेते हैं. पीपीओ फॉर प्रोसेस पैरामीटर ऑब्जेक्ट. तो ये प्रोसेस पैरामीटर ऑब्जेक्ट में आपको पीपीओ टाइप सीख लिया हूँ. इसमें आपको 10 PZT एंड 10 PQW आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा. ये क्या होता है हम जब ड्राइव पीएलसी कम्युनिकेशन दिखाएंगे आपको, उस टाइम पे आपको दिख जाएगा. कॉल करना है, तो ये अभी कनेक्ट हो गया. तो ये नोड नंबर है 4 नंबर 5 नंबर, इसके हिसाब से पीएलसी इसको स्कैन कर पाएगा. और इसमें जो आपका डेटा एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस के जरिए आप प्रोग्राम कर सकते हैं इस ड्राइव को. ठीक है, तो चलिए अभी आज इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं. पहले सेव एंड कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है. तो अभी हम इसको डाउनलोड करेंगे. सीपीयू को मैं रन मोड में डाल दिया और एमपीआई मेरा
लैपटॉप में ऑलरेडी एमपीआई सिलेक्टेड है, तो मैं बस यहाँ पे एमपीआई कर दे रहा हूँ, फिर आपका प्रोग्राम को डाउनलोड कर रहा हूँ। ओके, ये आपका डाउनलोड हो रहा है, फिर हम देखेंगे वो हार्डवेयर ऑनलाइन जा रहा है कि नहीं, मतलब आपका जीएसडी जो है वो सही है कि नहीं है। अगर हार्डवेयर आपका ऑनलाइन चला जाएगा मतलब कि आपका जीएसडी फाइल ओके है, कम्युनिकेशन कर रहा है। ये देखिए आपका ऑनलाइन जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तब आपका ये शो कर रहा है, अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं होता तो ये आपका शो नहीं करता, ठीक है, यह फॉल्ट दिखाता। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बिगिनर्स हैं जो पीएलसी सीखना चाहते हैं उनसे शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि सबको मदद मिले। चलिए, थैंक यू, हैव ए गुड डे।